हेलो दोस्तों एंड वेलकम। दोस्तों आप देख रहे हैं देसी मेसी को। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फोटोशॉप के कुछ ट्रिक्स स्टाइल। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा मैंने कुछ ट्रिक्स स्टाइल यूज़ किया है ऑलरेडी, आपने देखा होगा। उस तरह के और भी ट्रिक्स स्टाइल मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सिंपली वहाँ पर क्लिक करके इस सारे ट्रिक्स स्टाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ट्रिक्स स्टाइल है। यकीन मानिए जब आप ट्रिक्स स्टाइल को देखेंगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ कि आप डाउनलोड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इस तरह के ट्रिक्स स्टाइल शायद आपने देखा होगा, हो सकता है आपने देखा होगा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है जो कि आपको बिल्कुल पसंद आने वाली है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में फोटोशॉप के टॉप 5 एक्शन डाले, आप लोगों ने काफ़ी उसे वॉच किया, उसे देखा, लाइक्स भी किया, अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे कंटेंट को इस तरह से लोग लाइक करते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे, इस ट्रिक्स स्टाइल को देखेंगे तो डेफिनेटली इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे, और ज़रूर अगर पसंद आए तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को एंड देन शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो खैर ज़्यादा बात नहीं करते, सिंपली उस कौन कौन से टेक्स्ट स्टाइल है, उन टेक्स्ट स्टाइल को कैसे आप अपने फोटोशॉप में इंपोर्ट करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो मैं इस वीडियो में आपको बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा टेक्स्ट स्टाइल कौन कौन से हैं। टॉप 60 टेक्स्ट स्टाइल आपको मिलेंगे, जैसे कि 5 फोल्डर्स में है, 12 का पैकेज आता है, मैंने 5 फोल्डर आपके साथ शेयर किया है जिसमें से 60 टेक्स्ट स्टाइल आपको देखने को मिलेंगे। तो खैर देखते हैं वो टेक्स्ट स्टाइल कौन से। चलने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की वीडियोस भी बहुत सारी आने वाली है, जो कि इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। तो खैर स्टार्ट करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, आ जाते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे। अगर आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह के जिप फाइल होंगे, जो कि ज़्यादा नहीं 160 MB की फाइल है, इसमें 60 टेक्स्ट स्टाइल इसमें इंक्लूडेड है। अब इसे ओपन कर, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर ले, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होती, इसलिए मुझे बताना पड़ता है, जिसे पता है उसे इस चीज़ को इग्नोर करें, कोई बात नहीं। एक्सट्रैक्ट हियर कर लेंगे तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 5 फोल्डर आपके सामने दिख रही है, पाँचों फोल्डर में 12 करके टेक्स्ट स्टाइल दिया हुआ है। आप हेल्प में आएंगे तो ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब वन बाय वन की बात करें तो सबसे ऑसम टेक्स्ट स्टाइल दिखते हैं सबसे पहले वाली को। अब यहाँ पे देखिए ये PSD फाइल है हमारे, ये SL फाइल है जो मैं इंपोर्ट करूँगा, ये नोट पैड है हमारे, कुछ फ़ॉन्ट के लिंक दिए हुए कि इसमें कौन कौन से फ़ॉन्ट यूज कर सकते हैं जो सूटेबल और खूबसूरत लगती है वो देखने में। पता नहीं ये आइकन मेरे पास कुछ क्यों नहीं दिख रही है, आई थिंक हो सकता है वो देखेगा। मैं क्या करता हूँ सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करके आपको टेक्स्ट स्टाइल दिखाता हूँ कि ये फर्स्ट वाले में किस टाइप का टेक्स्ट स्टाइल है। डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है तो जरूर कम से कम टेक्स्ट स्टाइल देख ले, देन आप डिसाइड करें डाउनलोड करना है नहीं करना है, एक बार कम से कम टेक्स्ट स्टाइल को जरूर देख ले आप। या मैं यहाँ पे फोटोशॉप CC 2018 यूज़ कर रहा हूँ, ये खुल गया हमारे सामने, अब इसे कैंसिल करते हैं। यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट स्टाइल को, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जैसा कि देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी आपके, इस तरह के टेक्स्ट आप लिख पा सकते हैं अगर आप डाउनलोड करेंगे तो। देख ले कितनी ऑसम टेक्स्ट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। अभी मैंने सिर्फ एक PSD फाइल खोला, अभी 4 PSD फाइल इसके अलावा और भी है, जिसमें से कि आप और भी यूनिक टेक्स्ट स्टाइल देख सकते हैं, है ना मज़ेदार। ये देखिए इसमें बहुत ही खूबसूरत टेक्स्ट स्टाइल है, आप अच्छे से देख ले वीडियो को, अच्छे से समझ ले, देख ले क्या है नहीं है, देन डाउनलोड करें, इसके लिए कोई हड़बड़ी नहीं है। अब 2-5 मिनट की वीडियो होगी जी, एक बार देख ले इसे आप। ये मैंने पहला वाला देख लिया, इसे कैसे इंस्टॉल करना वो मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले आप सबको मैं वॉच करवा देता हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, आपको लगे कि यार दिखा नहीं रहे वीडियो लंबी कर रहे। देख रहे मतलब क्या कमी क्या है टेक्स्ट में, आप देख सकते हो ऑसम टेक्स्ट, मुझे तो काफ़ी पसंद आती है इस तरह के टेक्स्ट वगैरह, पता नहीं आपको कैसी पसंद आती है, पर बहुत तरह का टेक्स्ट है इसमें, कुछ अलग, ये कुछ अलग टाइप का हो गया। अगर आपको इस टाइप का नहीं पसंद तो मिनिमाइज जाइए, फिर बैक करते हैं, तीसरे वाले को खोलते हैं, मतलब यूनिक डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट है, जैसा मन करे वैसा यूज़ करते हैं। देख सकते हैं ओके तो ये 3 मैंने खोला, मैं एक और ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, जब खोल ही रहा हूँ तो सब खोल लेते हैं। ओके ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें भी टेक्स्ट स्टाइल दिए हुए हैं,
है ना। तो आई थिंक ये आपको पसंद आएंगी, डेफिनेटली पसंद आएगी। अब इसे कैसे आपको अपने फोटोशॉप में इम्पोर्ट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट, ठीक है। चलिए चौथा हो गया, पाँचवा आप खुद खोल करके देख सकते हैं, या अगर नहीं तो मैं क्यों छोड़ूँ एक को भी, इसे भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इस पाँचवा में भी कुछ इस तरह से टेक्स्ट स्टाइल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पांच PSD सॉरी कट हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ से मैंने अब क्लोज कर देते हैं किसी को। अब क्या करते हैं हम लोग, फ़ॉन्ट तो मेरे पास है नहीं, फ़ॉन्ट को आप डाउनलोड करना होगा। सारे फोल्डर के अंदर एक एक नोटपैड फाइल दिया हुआ जिसमें कि फ़ॉन्ट का लिंक दिए हुए, आप एक सेपरेटली उस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे फोल्डर में डाउनलोड दिया हुआ है, डाउनलोड लिंक दिया हुआ है फ़ॉन्ट के लिए। तो फ़ॉन्ट को आप डाउनलोड कर ले, देन उसे आप सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को इंपोर्ट करते हैं। और टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के लिए क्या करें, सबसे पहले फाइल में चले जाए, इंपोर्ट में चले जाए, सॉरी चलिए यहाँ से नहीं आता, हम लोग साथ में विंडो पे आ जाते हैं। विंडो पे आने के बाद यहाँ पे देखिए अब स्टाइल पे आ जाते हैं, ये स्टाइल पैनल खुल गया यहाँ पे। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर राइट साइड में देख रहे तीन लाइन दिख रहे डॉट डॉट, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आएगा आपको लोड लोड स्टाइल, ये देखिए लोड स्टाइल, लोड स्टाइल पे क्लिक किए। अब ये डेस्कटॉप पे हमने रखा है, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। ये मैंने अभी वॉल्यूम वन आपके साथ शेयर की, ये वॉल्यूम वन के फाइव वो है। एक एक करके इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को खोलते हैं, मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ देखें कुछ बढ़ जाएगा, ओके आगे 12 स्टाइल से, देन इसी तरह से पाँचों आप स्टाइल को लोड कर लें यहाँ से, देन अगेन बैक सेकेंड वाले को सेलेक्ट लोड स्टाइल, अगेन इस पर क्लिक किए लोड स्टाइल, बैक किए थर्ड वाले को सेलेक्ट लोड, ये सारे यहाँ ऐड हो रहे हैं वन बाय वन। अब इस तरह से सबको ऐड कर ले, ओके मैंने चौथे वाले को लोड कर लिया, ओके अब यहाँ से लास्ट वाले बच जाते हैं, पांचवें वाले को सेलेक्ट किया लोड, ये सारे हमारे यहाँ पे लोड हो गए। अब डिपेंड करता है कि अब टेक्स्ट स्टाइल कौन से यूज़ करें, जैसे कि मैंने न्यू पेज ले लिया, अब कैसे यूज कर पाएंगे उसको मैं दिखा रहा हूँ वो चीज़, क्रिएट ओके। अब आते हैं टेक्स्ट पे क्लिक, ओके ये टेक्स्ट आई थिंक काफ़ी बड़ी टेक्स्ट है। अब डिपे यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है ये सब चीज़ों के लिए खास करके, ठीक है। तो फ़ॉन्ट को आप डाउनलोड करना ना भूले, मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लें। फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ पे। आप क्या करें, सिंपली इस पर डबल क्लिक करें, आप डबल क्लिक करते ही वो जो भी टेक्स्ट स्टाइल है वो आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएंगे। इसमें आपको कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है टेक्स्ट पे, वो जो भी टेक्स्ट स्टाइल है वो आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते होंगे आपके स्क्रीन पे। इस तरह के और भी बहुत सारे कूल टेक्स्ट स्टाइल है जो मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। ये तो वॉल्यूम वन है, वॉल्यूम टू थ्री फोर मेरे पास 1000 में, मतलब कितना टेक्स्ट स्टाइल मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत 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 टेक्स्ट स्टाइल। तो ये अगर टेक्स्ट स्टाइल आपको पसंद है तो ज़रूर इसे शेयर करें, और अगर जरा सा भी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और अभी तक आपने डेली देसी में सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के टेक्स्ट स्टाइल PSD फाइल्स एक्सेल में बहुत सारे लाने वाले जो आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाले। तो खैर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।